Dear students, in this module, we are going to discuss the functionalist perspective on schooling and education. Functionalist perspective is a sociological approach that emphasizes the positive functions that institutions such as schools serve in the society. So, according to this perspective, schools serve several important functions, including socialization, culture transmission. एंड सोशल इंटीग्रेशन तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव जब एजुकेशन सिस्टम की बात करता है स्कूलिंग सिस्टम की बात करता है तो इनके ख्याल के मुताबिक चूँकि माशरे के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन है वो अपना एक फंक्शनल रोल परफॉर्म करता है इसी वजह से स्कूल भी जो है ये एक पॉजिटिव फंक्शनल रोल जो है माशरे में परफ़ॉर्म करता है तो जो मेजर रोल परफॉर्म करता है वो है सोशलाइजेसन का बच्चों की तरबियत के अंदर बड़ा अहम रोल जो है वो आज के मॉडर्न स्कूल सिस्टम का भी होता है माँ बाप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उस तरह से अपने घर के एनवायरनमेंट से निकाल के उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर भेजते हैं और जो माँ की गोद के बाद जो दूसरी अहम दर्सगा होती है बच्चे के लिए वो स्कूल होती है सो so, सोशलाइजेशन एक अहम फंक्शन है जो परफॉर्म किया जाता है थ्रू स्कूल्स उसके बाद जो अहम चीज़ है वो कल्चर की ट्रांसमिशन है आप देखते हैं कि बच्चे स्कूल के अंदर जाके मुख्तफ बिहेवियर्स को सीखते हैं अदात अतवार को सीखते हैं ख़ास तौर पर वो ये सीखते हैं कि उनके इर्द गिर्द के माहौल और उनकी सोसाइटी के अंदर रहते हुए उनको किस तरह से बिहेव करना है तो बच्चों का चौके दायरा कार घर के अंदर बड़ा महदूद होता है और बाहर जाके एक्सटर्नल सोसाइटी या एक्सटर्नल इन्वामेंट से उनका वास्ता पड़ता है तो स्कूल जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है इस मामले में कि कैसे उनको जो है माशरे का एक मुफीद शहरी बनना है इसके लिए वो उनको जो नेशनल ना, वैल्यूज़ होती हैं या नेशनल कल्चरल वैल्यूज होती हैं वो भी सिखाते हैं और पर्टिकुलरली जो है वो ये फोकस जो होता है इस बात के ऊपर होता है कि वो मुशरे के मुख्तु अदात व अतवार और अदबो अदब के जो मैथड्स हैं उनको सीख सकें और इसके साथ साथ जो अहम फंक्शन होता है वो ये है कि बच्चा किस तरह से माशरे के अंदर एक इंटीग्रेटिव रोल प्ले कर सकता है या सोशली इंटीग्रेट हो सकता है सोशल इंटीग्रेशन से ये मुराद है कि बच्चे को ये महसूस ना हो कि ही इज़ डिफरेंट पार्ट फ्राम दिस सोसाइटी रादर ही इज़ पार्ट ऑफ़ द सोसाइटी तो उसको मुआरे का पार्ट बनाने के लिए उसका हिस्सा बनाने के लिए उसको मुआरे में इंटिग्रेट करने के लिए उसको उसी प्रोसेस को सिखाया जाता है जिस प्रोसेस के ज़रिए बाकी लोग जो हैं वो मुशरे के अंदर इंटीग्रेट हुए होते हैं इन पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजिंग स्टूडेंट्स टू डोमिनेंट कल्चरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ सच एज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी सो स्कूल्स आल्सो फेसिलिटेट द कल्चरल ट्रांसमिशन बाई टीचिंग स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट नॉलेज एंड स्किल्स सच एज़ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स तो एक तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ये है कि माशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए उसकी लाइफ आइडियोलॉजी के ऊपर भी फोकस किया जाता है ताकि वो सीख सके उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और उसको अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है तो पाकिस्तानी माशरे के अंदर चूँकि इस्लाम जो है वो हमारी एक लाइफ आइडियोलॉजी है इस वजह से जो मुख्त मजहबी अकायद हैं उनके ऊपर भी स्कूल के अंदर फोकस किया जाता है इसके साथ साथ जो बेसिक सोशल स्किल्स होती हैं वो भी स्कूल के अंदर सिखाई जाती हैं जैसे कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स हैं आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाता है आपको मैथमेटिक्स सिखाई जाती है बेसिक अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं ताकि लेटर लाइफ के अंदर इन स्किल्स के ज़रिए आप बाकी के नॉलेज को एक्वायर कर सकें स्कूल्स आल्सो प्रोवाइड आ स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट्स कैन लर्न इम्पॉर्टेंट सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ एंड बिलीव्स एंड सोशल इंटीग्रेशन इज़ अनदर फंक्शन ऑफ स्कूल एज दे ब्रिंग टूगैदर स्टूडेंट्स फ्राम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड फैसिलिटेट दोशल इंटीग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग तो चूँकि स्कूल के अंदर जो है वो बड़ा स्ट्रक्चरड इन्वायरमेंट होता है इसलिए बच्चा जो चीज़ सीखता है वो डिसप्लिन होता है डिसप्लिन बहुत अहम एस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का और इसके अंदर हम ये देखते हैं कि बच्चे के लिए वाफिर मौाक़े होते हैं कि एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर रहते हुए डिफरेंट माहौल डिफरेंट घरानों से और डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आए हुए बच्चों दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के जो है वो इस एक कलेक्टिव बिहेवियर सीख सके पर्टिकुलरली जब सोशल इंटीग्रेशन की बात आती है तो ये उसकी सोशलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपने आप को एक आइसोलेटेड बीइंग फ़ील ना करे, बल्कि एक इंटीग्रेटेड बीइंग फ़ील करे और इस तरह से वो मुशरे का एक मुफीद शहरी बन सके By providing the students with a common experience schools promote social cohesion and a sense of shared identity so functionalist perspective on schooling has been criticized for ignoring the negative consequences of education such as social reproduction of inequalities and reproduction of dominant cultural norms and values इंटरेस्टिंगली सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव फंक्शंस के ऊपर ही जो है वो जोर दिया जाता है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में तो इसके ऊपर एक मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं स्कूलिंग के या एजुकेशन के उसको इग्नोर कर देता है एक तो बड़ा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर से बरामद होता है वो ये है कि पोटेंशियल इनक्वालिटीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बच्चे जब कंपटीशन के अंदर जाते हैं तो उस कंपटीशन में चूंकि उनके पास उसी तरह से इक्विटेबल अपॉरचुनिटीज या इक्विटेबल रिसोर्स नहीं होते हैं इक्विटेबल स्किल्स नहीं होती हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको असीूम किया जाता है कि शायद ये सारे जो हैं ये अपनी कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी इक्वल हैं और उसी बुनियाद के ऊपर उनको एक ख़ास कंपटीशन में डाला जाता है तो वहीं से जो है वो सोशल इनटी की बुनियाद पड़ जाती है तो ये मेजर एक क्रिटिसिज्म है इसके साथ साथ जो है

उसको देखें कि क्या स्कूल जो है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन जो जो भी फंक्शंस बताए गए हैं स्कूल वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है सोशलाइजेशन का फंक्शन है सोशल इंटीग्रेशन का फंक्शन है इसके अलावा जो डिफरेंट स्किल लर्निंग है उसका फंक्शन है और बच्चे को जो है वो माशरे का एक मुफीद शहरी बनाना जो मकसद है क्या ये सारे मकासद जो हैं वो स्कूल पूरे करता है या नहीं